गाइस वेलकम टू माय चैनल एंड मैं अर्पिता आप सभी को मेरे ब्लॉग पे ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो गाइस आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कोई नए रेसिपीज के साथ आई हूँ, लेकिन 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 मैं आपको बता दूँ कि आज मेरा रेसिपी का कोई प्लान नहीं है और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेडिसिनल यानी कि एक हर्बल प्लांट के बारे में जो कि आयुर्वेद में बहुत ही प्रचलित है और जिसका नाम है टिनोस्पोरा कैरेफोलिया। तो इससे जो है इसे हिंदी में गिलोय अमृता भी कहते हैं। तो आइए इस हर्बल प्लांट के बारे में मैं आज आपको कुछ डिटेल में जानकारी देती हूँ, इसके बेनिफिट्स और इससे क्योर होने वाले डिजीज के बारे में भी हम बात करेंगे, इसको यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा जो चैनल है ये एक मल्टी ब्लॉग चैनल है और इसमें आपको आगे बहुत सारे ऐसे जानकारी मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले सारे जो नए वीडियोस हैं उसकी अपडेट्स आपको टाइमली मिल सके। ये जो टिनोस्पोरा कैरेफोलिया का प्लांट है इसे हिंदी में गुड़ची, गुड़बेल और अमृता, चक्रांगी, चिन्नरूहा ऐसे बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं। जो गिलोय की पत्तियाँ होती हैं ये नॉर्मली थोड़े से पान के पत्ते के जैसे दिखते हैं और ये ज़्यादातर घने जंगलों, पहाड़ों, खेतों के मेड़ों और बड़े बड़े चट्टानों पे दिखाई देती है, लेकिन नीम पे चढ़ी गई गिलोय को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि माना जाता है कि ये जो गिलोय का प्लांट है ये जिसको अपना आधार बनाती है उसके गुण भी इसमें समाहित रहते हैं। वैसे हिंदू शास्त्रों के मुताबिक माना ये भी जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उसी टाइम पे जब भगवान धन्वंतरि जी अपने हाथों में अमृत का कलश लेके निकले थे, उस अमृत के कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच पे जो संघर्ष हुआ था उस संघर्ष के वजह से अमृत का कलश से निकला हुआ छींटा यानी कि उसके बूंदे जहाँ जहाँ पे गिरी थी वहाँ से ही इस गिलोय की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसे अमृता भी कहा गया है। और प्राचीन काल से ही हमारे आयुर्वेद में इस पत्तियों के बहुत सारे ऐसे गुण की वजह से इसे यूज़ किया जाता है एक खास तत्व के रूप में। तो अब आइए जानते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में और इससे क्योर होने वाले डिजीज के बारे में। ये डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, किडनी संबंधित रोग और लीवर के जितने सारे प्रॉब्लम हैं उसे ठीक करता है, साथ ही में रूमेटिज्म, आर्थराइटिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और स्किन की एलर्जी जैसे कि एक्जिमा, सोरियासिस उसे भी ठीक करता है। कोल्ड, कफ और फीवर में सबसे बेस्ट रेमेडी है और आयुर्वेद में इसे बुखार की सर्वोत्तम दवाई मानी गई है। ये एक पावर ड्रिंक भी है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके हमें कई तरह के ऐसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। उन लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है जिन लोगों की डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वीक है, यानी कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव करने के साथ साथ इम्प्रूव करता है और हमारे यूरिनरी ट्रैक को इन्फेक्शन से दूर रखता है, खास करके जिन लोगों को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम रहता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है और पेप्टिक अल्सर का भी प्रॉब्लम रहता है, उन लोगों को तो ये ज़रूर लेना चाहिए। ये एक बेस्ट सप्लीमेंट है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्फेक्शन से दूर रखता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव करने के साथ साथ इम्प्रूव भी करता है। आप सभी को पता है कि आजकल का जो ज़माना है इसमें पॉल्यूशन का कितना इफेक्ट रहता है। अभी तो फिलहाल लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा जो पॉल्यूशन है वो कंट्रोल में है, लेकिन जब लॉकडाउन भी ख़त्म हो जाएगा तो फिर से हमारे गाड़ी वगैरह सब चलने लगेंगे तो पॉल्यूशन तो होगा ही, तो पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे अस्थमा जो पेशेंट होते हैं उन लोगों को प्रॉब्लम रहती है, तो उन लोगों को भी ये चीज़ लेना चाहिए क्योंकि ये अस्थमा को भी क्योर करता है। और सभी को पता है कि हर साल डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से कितने सारे लोग जो होते हैं वो मरते हैं, तो आयुर्वेद में सबसे इस मेडिसिन को डेंगू और मलेरिया के लिए यूज़
किया जाता है क्योंकि आयुर्वेद में इसे बुखार की सबसे बेहतरीन दवाई मानी जाती है। ये हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और साथ ही में ब्लड को प्योरीफाई भी करता है और हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स वगैरह सारे डैमेज हो गए हैं उसे रिपेयर भी करता है और साथ ही में सेल्स को ये हेल्दी बनाता है। अगर किसी को एनीमिया का प्रॉब्लम है तो ये जो किलोई के पत्तियाँ हैं इसके पत्तियों से उसको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है और एनीमिया की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो सकती है। अगर ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो ब्लड हमारा पतला हो जाता है और ब्लड जब पतला हो जाता है तो हमारी ब्रेन, किडनी, हार्ट सारी जगहों से ब्लड की लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है और उससे ब्लड कैंसर भी हो सकता है। तो ब्लड कैंसर जैसे भयानक रोगों से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए और ये एक दिन में आपके ब्लड के जो प्लेटलेट्स होते हैं उसको 25,000 तक देता है। तो गाइस ये सबसे बेस्ट चीज है ब्लड कैंसर को रोकने के लिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये डायबिटीज के टाइप 2 के लिए उपचार किए जाते हैं और ये हमारे ब्लड में शुगर और लिपिड के लेवल को रिड्यूस करने में काफी हेल्प करता है। और गाइस TLC के गड़बड़ होने से भी ब्लड कैंसर के बहुत चांसेस रहते हैं, इसलिए किलोई का काढ़ा पीना सबसे बेस्ट है। गाइस TLC और TLC के गड़बड़ के वजह से भी ब्लड कैंसर जैसे भयानक रोग हो सकते हैं, इसलिए गिलोय का काढ़ा पीना सबसे सेफ है। और तो और गाइस आप सभी को पता है कि लो इम्यूनिटी के वजह से जितने सारे रोग होते हैं वो हम पे जल्दी अटैक कर लेते हैं, जैसे कि सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गया, जॉन्डिस हो गया और टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो गई, जितने सारे भी होते हैं ये इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। और इन्फेक्शन कब होता है? जब हमारी इम्यूनिटी लो होती है। तो गाइज इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गिलोय से बेहतरीन चीज कुछ नहीं है। इसे एंटी स्ट्रेस सप्लीमेंट भी माना गया है क्योंकि ये हमारे दिमाग को शांत रखने के साथ साथ हमारे मेंटल स्ट्रेस को भी दूर करता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होने की वजह से ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को एकदम क्लियर रखता है और साथ ही में अस्थमा से भी हमें ये प्रोटेक्ट करता है। ये हमारे आई साइट्स के यानी कि हमारे विजुअल को क्लियर करता है और साथ ही में इम्प्रूवमेंट भी करता है और आपके जितने सारे स्किन के प्रॉब्लम है इसे भी दूर करता है क्योंकि ये एक एंटी एजिंग है, तो ये आपके साइंस ऑफ एजिंग को भी कम करने में सहायक है। गिलोय शरीर के त्रिदोष को यानी कि बात, पित्त और कफ को संतुलित रखता है और शरीर की कायाकल्प करने में भी सक्षम होता है। यूं तो ये गिलोय पूरी तरह सेफ है, लेकिन आपके मन में अगर कोई डाउट हो इसे लेने में तो आप इसे लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। और अब आइए मैं आपको दिखाती हूँ इस गिलोय का काढ़ा जो है कैसे बनता है और इसे कितनी मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने गिलोय के लताएं लिए हैं और इसके पत्ते आप देखो पान के पत्ते के जैसे दिखते हैं, लेकिन हमें इसकी पत्तियों का यूज़ नहीं करना है, हमें इसकी डंडियों का यूज़ करना है और इसके डंडे जो हैं अभी कच्चे हैं, ये जब सूख जाए तो इसका हमें काढ़ा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये देखिए ये सूखा डंडा है, यानी कि ये इसका ऊपर का जो लेयर है ये सूख गया है लेकिन अंदर से ये बिल्कुल कच्चा है, तो इसको मैंने बीच में से कट कर लिए हैं ताकि मुझे इसके छिलके निकालने भी इजी हो। तो इसका जो छिलका है मुझे रिमूव कर लेना है अभी, तो मैं किसी चाकू या तो हाथ की मदद से इसे रिमूव कर लूँगी। अगर आपको ईजी लगता नहीं है ये रिमूव करने में तो आप इसे जब यूज़ करें 10 मिनट पहले आप किसी बर्तन में पानी लेके इस टुकड़े को डाल दीजिए 5-7 मिनट के लिए, उसके बाद इसका जो ऊपर का छिलका है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको सारे जो छिलके हैं वो रिमूव कर लेने हैं। गाइस और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो रिसेंटली अभी आया है महामारी यानी कि COVID-19 जिसको बोलते हैं, ये एक इन्फेक्शन है और ये हमारे भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड को एकदम परेशान करके रखा है। काफ़ी लोग इससे बहुत परेशान है, लेकिन COVID-19 उसी को होता है जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और इम्यूनिटी जब आपकी स्ट्रॉन्ग हो तो कोई इन्फेक्शन आपको अटैक नहीं कर सकता है।
है। अगर आप यहाँ पे इस गिलोय का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी जो होती है वो डेवलप होती है और साथ ही में आपको कोई भी इन्फेक्शन हो उससे बचाने की ये क्षमता रखती है। तो यहाँ पे हमने सारे जो गिलोय हैं उसको ये छोटे छोटे पीसेस में कट्स कर लिए हैं और अब हम इसे इमाम दस्ते की मदद से क्रश कर लेंगे। क्रश करना ज़रूरी होता है, क्रश अगर आप नहीं करेंगे तो इसके अंदर जो विटामिन्स मिनरल्स वगैरह होते हैं वो पानी के कांटेक्ट में नहीं आएगा और ये ऊपर ऊपर से ही बस ऐसे ही बॉयल हो जाएंगे। तो आपको इसे अच्छी तरह से क्रश कर लेना है पहले, और यहाँ पर क्रश भी हो चुके हैं हमारे गिलोय सारे। अब इसको हम एक ग्लास पानी में घोल के बॉईल कर लेंगे। याद रहे आपको इसे 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है, और जब ये पानी मतलब आपकी एक ग्लास पानी लिए हैं जब ये बॉईल हो के हाफ ग्लास बन जाएंगे तभी ही आपको इसे निकालना है। तो ये हमारा गिलोय अच्छी तरह से अभी बॉयल आ चुका है, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं और छन्नी की मदद से छान लेते हैं। तो ये रहे, एक ग्लास वाटर हमने लिया था और यहाँ पे बचे हैं हाफ ग्लास वाटर, तो इतना एक टाइम के लिए सफिशिएंट है। तो ये रहे गिलोय के काढ़े। तो गाइस देखा आप लोगों ने, ये जो गिलोय का काढ़ा है वो भी बहुत ही आसानी से बन जाता है और इसे कंज्यूम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा ख़राब टेस्ट है, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं, लेकिन आप चाहे तो इसे रेगुलर बेसिस में कंज्यूम कर सकते हैं और इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो गाइस आज के लिए मेरा जो ये वीडियो है इतना तक ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कोई दूसरा नया चीज़ लेकर आऊँगी जिससे आपको फिर से हेल्प हो सके। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ आपको मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।